जज साहब हैं सीजीआई, इनको जज साहब को थोड़ा और स्वतः महसूस करना चाहिए क्या कि जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने बयान दिए थे, हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने जो बयान दिए थे उन बयानों पर सोचना चाहिए कि इन्होंने जो 24,000 बच्चों के लिए अलग से विंडो खोला था, क्यों खोला, कहाँ से मीटिंग हुई, किसने कहा, वहाँ से धांधली हुई। इन्होंने धांधलियों के इतने तरीके हैं कि उसको हम छांट नहीं सकते हैं। एक ही तरीका है कि सिर्फ इन बच्चों को न्याय मिले, जो सही हैं सही बाहर हैं, चोर अंदर हैं, उसको छांटने का एक ही तरीका है, दोबारा पेपर हो। अब आप 24 लाख का कराएं, चाहे आप पास आउट 13 लाख का कराएं, या आप पास आउट 13 लाख का कराएं, या आप 620 से 720 का कराएं, चूँकि चोरी जो चोरी होती है ना वो सरकारी कॉलेजों की सीटों की चोरी होती है, जिसने रुपए दिए, जिसने भी सिस्टम में अपनी व्यवस्था बनाई है कि हम पास हो जाएं, तो पास में 200-300 नंबर के लिए रुपए दिए, उसने जो 56,000 गवर्नमेंट सीटें हैं उनको पाने के लिए पैसे दिए गए, तो चोरी तो 56,000 के अंदर है। आप सिर्फ 56,000 का टेस्ट करा लो, 10,000 बच्चे निकल जाएंगे, सिर्फ 56,000 में ना निकल जाए तो हमें, हम हमारे और जो वकील सरकारी लगा हो एनटीए की तरफ से हमारी उससे बातों की, वो कौन गुमराह कर रहा है, सरकार को मैं गुमराह कर रहा हूँ, कोर्ट को, कि सरकारी वकील गुमराह कर रहा है जो एनटीए का वकील है। ये दोबारा पेपर सिर्फ 56,000 का हो जाए 620 से और दूसरी संस्था से हो जाए, मैं दावा करता हूँ 10,000 बच्चे निश्चित निकल जाएंगे, और जब निकल जाएंगे तो आप चोर को बचाने के लिए वकालत कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और दूसरी बात कहते हैं लीक, एक छोटा सा गुब्बारा दिया जाए किसी व्यक्ति को फुलाने के लिए, यानी उसी एडवोकेट को दे दिया जाए जो कह रहा है कि लीक नहीं, छोटा सा है, उससे सुबह से शाम तक कहा जाए गुब्बारा फुलाओ, शाम तक गुब्बारा फुला के नहीं बांध सकता, क्योंकि उसमें छोटा सा लीक है, लीक इज ए लीक, लीक को और कोई दूसरा शब्द पार्टी नहीं सकता, लीक तो लीक होता है। अब वो छोटा सा लीक है बड़ा है, क्या लीकेज हवाई जहाज में प्लेन में बैठना चाहेंगे ये एंटी वाले, क्या वो क्या नाम प्रधान बैठना चाहेंगे, छोटा सा है ये, कोई बात नहीं हुई। आप और आप मंत्री हैं, आप एनटीए के ऑफिसर हैं, अपने पर डे बयान बदलते हैं, चोर हमेशा अपनी बातों को बार बार घुमाता है, वकील जो एडवोकेट होते हैं दोनों पक्ष में लड़ते हैं, एक क्राइमिनल को बचाने के लिए, एक न्याय दिलाने के लिए, उनका अपना पैसा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन वकीलों से, ऐसे मुद्दों में इनको तो एडवोकेट नहीं मिलने चाहिए, कि जो 24 लाख बच्चे नहीं हैं, 24 लाख परिवार त्रस्त हैं आज, और देश की व्यवस्था जो कहते हैं मैं विश्वगुरु शिक्षा से बना दूंगा, विश्वगुरु नहीं है, विश्व में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है और भरोसा देश का खत्म हो रहा है, बच्चे की जो परीक्षाओं पढ़ने की भरोसा है वो निरंतर खत्म हो रहा है। भरोसा बनाने के लिए एक ही तरीका है, दोबारा परीक्षा, और सख्ती से, ताकि दोबारा में न फिर हो जाए, स्वच्छ कार्य हो जाए। देखिए आज जो